गाइस, तो दोस्तों आज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आ गया अपने एक नए वीडियो में, जैसे कि मैं अभी आ गया धारावी धारावी के एक छोटे से पतली गलियों में आ गया हूँ। जैसे कि एक सिर्फ एक 2 किलोमीटर की दूरी में सिर्फ यहाँ से 15 से 20 लाख लोग रहते हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं आज सब देख लिया था, मुझे भी अभी यकीन आने लगा है, तो आगे चल के देखते भी। और यहाँ पे दिन के समय यहाँ पे अंधेरा है। क्या बात है। कहाँ जाना पड़ता है फिर? बाहर। अच्छा, तो इतने एरिया में मतलब कितने लोग रहते रहेंगे? मतलब जैसे कि पूरा तो गली पूरा सब जगह यहाँ पे कम से कम तो 2 से 4 लाख। और यहाँ पे मतलब टोटल कितना रूम होगा? ये अंदाजा नहीं लगा पाएगा भाई कितना रूम। अच्छा, ये अपने इस रूम में कितने लोग रहते हैं? इसमें 5 लोग रहते हैं। 5 लोग ये रूम में? 5 लोग रहते हैं। 5 लोग क्या बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग देख लो यार, गांव से सब लोग यहाँ से कमाने के लिए आते हैं और इसी रूम में मतलब कैसे तरह रहते हैं। तो दोस्तों ये है इसका रूम, और ये रूम का भाड़ा है 5000। ये किचन है और ये नहाने धोने का है, और वॉशरूम यहाँ पे नहीं है क्या? इतनी पतली पतली गली है, इतनी पतली पतली झोपड़पट्टी के क्या बताओ अभी ये। और इसको बोलते हैं मुंबई, ये देखिए यहाँ पे झोपड़पट्टी। और ये सीढ़ी जो यहाँ से ऊपर आना पड़ता है। दोस्तों स्टेशन के बाजू में इतना गंदगी यहाँ पे कि क्या बताओ। और यहाँ पे इतने सब झोपड़ी डाल के बैठे, सब झोपड़ी डाल के बैठे यहाँ पे। मुझे कुत्ता अगर यहाँ पे किसी का ही नहीं है, फिर भी ऐसी बस बसा बसा बस गए वो लोग। यही मुंबई लगी संसद के लोग आते हैं। किसमें? संसद के लोग किसमें? इसमें एक छोटा वाला है। अच्छा, संसद में कैसा जगह है? और जहाँ पकड़ता तो पब्लिक प्लेस में नहीं जमता है ना। असली धारा भी यही है। तो यहाँ इतनी पतली पतली गली है कि क्या बता, आदमी एक आदमी जाएगा तो फंस जाएगा। फिर चल चलते आगे, इतनी पतली पतली गली यहाँ पे तो पूरा अंधेरा अंधेरा। चाय कितने की? 10 की। 10 की? मस्त है, देखिए अरे भी चाय ना मस्त है।